क्या चीन को भारत से होने लगा है डर? क्यों अपनी बोरिया बिस्तरा लेकर भाग रहा है चीन? क्या भारत में हो जाएगी सस्ते मोबाइल फोन की किल्लत? अब कहां शिफ्ट होने की तैयारी में है चीन? ये सब बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती कार्रवाई के चलते चीन की मोबाइल फोन कंपनियां दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भारत छोड़ सकती है। ऐसे में आने वाले समय में भारत में सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन की किल्लत हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो एक चीनी अधिकारी ने दावा किया है कि चीनी स्मार्टफोन कंपनियां अब भारत से अपनी यूनिट बंद कर इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया शिफ्ट होने की पूरी तैयारी में लगी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो के तरफ से हाल ही में मिस्र सरकार के साथ $200 मिलियन यानी कि लगभग 159 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक सौदे का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह सौदा भारत से चीनी कंपनियों के पलायन की शुरुआती वजह बन सकता है। मोबाइल कंपनियों से जुड़े अधिकारियों ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि 159 करोड़ रुपए की कीमत के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ ओप्पो का समझौता एक दूरगामी कदम हो सकता है। बता दें कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी मोबाइल कंपनियों पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। भारत सरकार की तरफ से 3 चीनी मोबाइल कंपनियों मसलन ओप्पो, वीवो और शाओमी द्वारा कथित कर चोरी के मामलों की जांच की जा रही है। इस दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने कंपनियों को ड्यूटी चोरी के लिए नोटिस जारी किया है। भारत ने टेंसेंट के वी चैट और बाईटांस कंपनी के टिकटॉक प्लेटफॉर्म सहित 300 से भी अधिक चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं सरकार अपने घरेलू स्मार्टफोन और चिप निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखते हुए गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है। साथ ही खबर ये भी है कि टाटा समूह कथित तौर पर देश में आईफोन बनाने के काम को 500% तक बढ़ाने के लिए ताइवान स्थित विस्ट्रॉन के साथ बातचीत कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।